प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन में देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। INS विक्रांत के निर्माण में 17 साल का समय लगा और कई परीक्षणों के बाद नौसेना को सौंप दिया गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बातें यूपी की में। आप देख रहे हैं PCS नामा और मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम जानेंगे कि INS विक्रांत क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसके नौसेना में सम्मिलित होने से भारत को क्या फायदा मिलेगा, साथ ही साथ हम इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझेंगे। इसके साथ ही UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इसको भी देखते चलेंगे। बात शुरू करते हैं इसके नाम से। तो विक्रांत नाम संस्कृत के विक्रांतः शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ साहसी तथा शाब्दिक अर्थ बाधाओं या सीमाओं के पार जाना है। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय नौसैनिक पोत, तथा विमान वाहक पोत का मतलब यह होता है कि ऐसा पोत जिससे युद्धक विमान अपनी उड़ान भर सकें तथा उस पर लैंड भी कर सकें। PM मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। PM मोदी ने कहा, विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है, विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है। उन्होंने कहा, यदि लक्ष्य दुरंत हैं, यात्राएं दिगंत हैं, समंदर और चुनौतियां अनंत हैं, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत आज़ादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है। विक्रांत आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है। INS विक्रांत स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। PM ने कहा कि यह युद्धपोत से ज़्यादा तैरता हुआ एयरफील्ड है, यह तैरता हुआ शहर है। PM मोदी ने बताया कि INS विक्रांत में जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइंग डेक भी 2 फुटबॉल फील्ड से बड़ा है। इसमें जितने तार इस्तेमाल हुए हैं वह कोचीन से काशी तक पहुँच सकते हैं। INS विक्रांत को बनाने में 21,000 टन से ज़्यादा स्पेशल ग्रेड स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 2600 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे इलेक्ट्रिक केबल लगे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी पाइपलाइन बिछी है। INS विक्रांत की ऊंचाई 61.6 मीटर है, यानी यह करीब 15 मंजिला इमारत जितना है। 262.5 मीटर लंबे INS विक्रांत पर 1600 क्रू मेंबर आराम से रह सकते हैं। वैसे विक्रांत पर 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। फिलहाल INS विक्रांत पर MiG-29K लड़ाकू विमान और KA-31 हेलीकॉप्टर्स का एक बेड़ा तैनात किया जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ से UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो जो प्रश्न बन सकता है वह आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा। इसको भारत में ही नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन भी किया है। इसके 76% हिस्से को भारत में ही बनाया गया है। भारतीय स्टील अथॉरिटी ने इसमें बेहतरीन क्वालिटी के स्पेशल युद्धपोत स्टील का प्रयोग किया है, जो इसको शानदार मजबूती देती है। यह युद्धपोत समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ से UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो जो प्रश्न बन सकता है वह आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा। INS विक्रांत को खास तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि कम एरिया में एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सके।
इस युद्धपोत में आगे का हिस्सा ज़्यादा उठा हुआ है, जिसे स्टोबार शार्ट टेक ऑफ बट और स्टेड लैंडिंग डिज़ाइन कहते हैं। और इसका फ़ायदा यह होता है कि एयरक्राफ्ट कम जगह में आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर लेता है। आईएनएस विक्रांत टारगेट एलिफेंट है, यानी यह इतना बड़ा है कि जंग के दौरान इसे छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि दुश्मनों का सामना किया जा सके। आईएनएस विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होंगी। ये AK-630 रोटरी कैनन से लैस होगा। इसके अलावा इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डिकायर सिस्टम से लैस होगा, जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के नए झंडे का भी अनावरण किया। भारतीय नौसेना के वर्तमान ध्वज के ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस है। नौसेना के नए ध्वज में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देते हुए एक नया डिजाइन अपनाया गया है, जिनके पास नौसेना का बेड़ा भी था। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित करने से पहले कहा कि आज तक भारतीय नौसेना के झंडों में गुलामी की निशानी थी, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित एक नए निशान के साथ बदल दिया गया है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने बड़े विमान वाहक पोत का निर्माण कर सकते हैं। यह स्वदेशी क्षमता स्वदेशी संसाधनों और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। जिस देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वह युद्ध के समय दुश्मन देश को आसानी से समुद्र के रास्ते घेर सकता है। दुनिया में कुछ गिने चुने ही देश हैं जो ऐसे युद्धपोत रखते हैं। भारत भी उस चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इसके मिलते ही भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और इस क्लब में भारत के साथ चीन भी शामिल है। करीब 4000 टन से अधिक भार वाले युद्धपोत आईएनएस विक्रांत से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ जाएगी, और वह हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक चीन की नापाक करतूतों पर नजर रख सकता है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पर काम कर रहा है, यानी वह अपने नौसैनिक अड्डों का ऐसा बेस बना रहा है जो भारत के चारों तरफ तैयार हो रहा है। साथ ही इसके जरिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से होने वाले व्यापार पर भी वह नियंत्रण रखना चाहता है। इसके लिए वह दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देशों में सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डों का निर्माण कर रहा है। इसमें वह बांग्लादेश म्यांमार में नौसैनिक बेस की स्थापना में मदद कर रहा है। इसके अलावा चीन मालदीव में भारत से बेहद करीब एक कृत्रिम द्वीप भी बना रहा है। इसी तरह उसने श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। वहीं वह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को नेवल बेस के रूप में विकसित कर रहा है। जाहिर है चीन की इस रणनीति से निपटने में भारत का आईएनएस विक्रांत बेहद कारगर हो सकता है। इसके अलावा भारत चीन से निपटने के लिए आईएनएस विशाल का भी निर्माण कर रहा है, जो कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना की क्षमता में और ज़्यादा इजाफा करेगा। अगर भारत और चीन के बीच सेना की तुलना की जाए तो दोनों देश काफ़ी मजबूत हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत इस समय सैन्य क्षमता के मामले में दुनिया का 4था सबसे शक्तिशाली देश है, जबकि चीन 3रा सबसे शक्तिशाली देश है। वहीं अगर नौसेना की बात की जाए तो भारत के पास चीन की तरह ही अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। आईएनएस विक्रांत से पहले भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर ही था। 2 एयरक्राफ्ट वाले देश इस समय चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली हैं, जबकि फ्रांस, रूस और स्पेन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वही अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब इसकी एक लिस्ट देख लेते हैं।
अब एक नज़र में INS विक्रांत की विशेषताएं देखते हैं और ये विशेषताएं स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रही होंगी। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि विक्रांत भारतीय नौसेना का एक सेवानिवृत्त युद्धपोत भी है जो भारतीय नौसेना का प्रथम वायुयान वाहक पोत था। इस पोत को 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया था, तब तक इसे HMS हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता था। 1961 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तथा 31 जनवरी 1997 को इसे काम से हटा लिया गया था। तो यह बात थी INS विक्रांत की। अगर आपको अभी भी इस विषय से रिलेटेड कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूं। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।